Hello, everyone. आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका जो बी आर एफ का सेकेंड पेपर है उसमें एक टॉपिक है आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को मैंने ऑलरेडी एक कंप्लीट थ्योरी सेशन में डिस्कस किया है आप चैनल पर जाकर देख सकते हो आज के इस वीडियो में हम लोग उससे रिलेटेड एम सी क्यू को डिस्कस करेंगे जो आपके इंड टर्म एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक बात और है अगर किसी को पेड कोर्स चाहिए या पेड कोर्स परचेस करना है बी कॉम थर्ड सेमेस्टर बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर एम कॉम फर्स्ट थर्ड जो कोई भी कोर्सेज हो बी एड वगैरह तो आप क्या कर सकते हो टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन हो जाना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और जिसको भी परचेस करना है उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया है कैसे आपको परचेस करना है क्या प्राइस है वो सारी चीज़ें मैं अलग से बताई हूँ तो किसी भी कोर्स हो आप चाहे यू पीजी जी फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर आपको अगर पेड कोर्स लेना है तो आप ले, ले सकते हो ठीक है टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन हो जाना ज़्यादा क्वेरी के लिए आपको जो भी डाउट्स हो वहाँ पर बता दिए जाएंगे और मैंने डिस्क्रिप्शन में पेड कोर्स कैसे लेना है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी वहाँ से आप देख सकते हो ठीक है वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है डैश मीन्स समथिंग लीगली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अन फॉर अ कंसिडेशन इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऑल ऑफ द अबब ठीक है किसका मतलब ये होता है जो कि एक लीगली ट्रांसफर हो ट्रांसफरेबल होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जहाँ पर कंसिडेशन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं नेगोशिएबल तो नेगोशिएबल एक क्या होता है एक समथिंग ये क्या है लीगली ट्रांसफरेबल होता है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक हम जाता है जहाँ पर एक कंसिडेशन होता है तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही नेक्स्ट है सेकंड डैश मीन्स अ रिटर्न डॉक्यूमेंट बाई विच सम लीगल राइट्स आर क्रिएटेड इन फेवर ऑफ सम पर्सन इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की ऑल ऑफ दी अब अब देखो नेगोशिएबल में अभी हमने पढ़ा कि एक लीगली uh, ट्रांसफरेबल होता है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन जहाँ पर दोनों लोग का क्या हो प्रतिफल हो कंसिडेशन हो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि, कि ये रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है ठीक है ये ऐसा कौन सा है जो कि एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कुछ लीगल राइट्स रहती हैं इन द फेवर ऑफ सम पर्सन ठीक है तो उसे हम बोलते हैं ए

ऑर्डर तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आपने तीन पार्ट्स पढ़े होंगे तीन टाइप्स होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज होता है प्रोमिजरी नोट होता है चेक होता है ठीक तो इसका मतलब क्या होता है ये या तो बेरर आइदर टू बेरर या ऑर्डर हो सकता है ठीक है या तो हम पे कर रहे हैं तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर है ए नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट इज अ फ्रीली ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी इफ इट इज़ एन डैश इंस्ट्रूमेंट नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट एक फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है जो कि ये एक तरह का कैसा इंस्ट्रूमेंट है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है बेरर है बोथहैन बी है कि न तो ये क्या है ये इंस्ट्रूमेंट है बी ऑप्शन हो जाएगा सही आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव पे ए नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट इज़ फ्रीली ट्रांसफरेबल बाई इंडोर्समेंट वहाँ डिलीवरी दिया था यहाँ इंडोर्समेंट दिया है तो ये क्या है एक तरह का कैसा इंस्ट्रूमेंट है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है बियर इंस्ट्रूमेंट है बोथ है एन बी है कि नन ऑफ दी अबब -अब है तो एक नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट no. एक फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है बाई इंडोर्समेंट ये एक तरह का क्या है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है ए ऑप्शन हो जाएगा सही नेक्स्ट है सिक्स नंबर क्वेश्चन द ट्रांसफरर ट्रांसफ्री ऑफ ए नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट इज़ दैट वन हु ट्रांसफर द इंस्ट्रूमेंट कि जिसके ऑन हुज नेम जिसके नाम पर ट्रांसफर किया गया है कि हु इनहेंसेज इट की नन ऑफ दू ट्रांसफर फ्री होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का वो पर्सन होता है जिसके नाम पर ट्रांसफर किया गया ऑन हुज नेम इट इज ट्रांसफर तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही द ट्रांसफरर देखिए वहाँ ट्रांसफ्री था यहाँ ट्रांसफरर है द ट्रांसफरर ऑफ ए नेगोशिएबल ये दोनों टर्म्स को मैंने उसमें अच्छे से समझाया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाले वीडियो में तो आप जाकर देख लेना ट्रांसफरर और ट्रांसफ्री ट्रांसफरर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज दैट वन हु ट्रांसफर द इंस्ट्रूमेंट बी ऑन हुज नेम जिसके नाम पर ट्रांसफर किया गया है कि सी हु इन्हेंसेज इट इन तो ट्रांसफर एक नेग्नोशिवल इंस्ट्रूमेंट का वो है जो कौन हो जाएगा जो इंस्ट्रूमेंट को क्या कर रहा है ट्रांसफर कर रहा है तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी टेकन इन गुड फेथ एंड विथ अ इंटरेस्ट कंसीडेशन लीगल एक्शन की बिजनेस मोटिव द इंस्ट्रूमेंट क्वेश्चन नंबर एट है द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी टेकन इन अ गुड फेथ एंड विद इंटरेस्ट कंसीडरेशन लीगल रिलेशन के बिजनेस में टू तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दैट इज कंसीडरेशन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन है व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन लॉस्ट एंड इट इज प्रिज्यूम्ड दैट इट वाज मतलब एक जब एक इंस्ट्रूमेंट क्या है लॉस्ट हो जाए तो ये माना जाता है कि वो एक्सपायर हो चुका है ड्यूली स्टैम्प स्टोल के मिसप्लेस तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इट इज़ ड्यूली स्टैम्प विच ऑफ द बिलो गिवन सेंटेंस इज प्रॉपर एज टू कंसिडर टू बी रिटर्न इन नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट इसमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो कि सही है पूछा है ठीक है प्रॉपर है आई प्रोमिस टू पे रुपीज़ आई प्रोमिस टू पे बी रुपीज़ फाइव हंड्रेड मिस बी रुपीज़ वन थाउजेंड आई एम लाइबल टू पे यू वन थाउजेंड की नन ऑफ दी अब अब तो इसमें से कोई नहीं सही है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इलेवन डैश इज अ इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एंड अनकंडीशनल अंडरटेकिंग्स साइंग बाय द मेकर टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ऑनली और द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और द बीअर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट तो ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि जिसमें राइटिंग कंटिन्यू एक अनकंडिशनल अंडरटेकिंग होती है जो कि मेकर के द्वारा साइन की जाती है कि हम इतना सम ऑफ मनी पे करेंगे वो क्या होता है प्रोमेजरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज चेक की नन ऑफ दब तो उसे हम बोलते हैं प्रोमेजरी नोट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व डैश इन ए इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइन बाई द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन टू पे अ अर्टन सम ऑफ मनी ओनली ऑन ऑर्डर टू सर्टन पर्सन एट द बीयर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट तो ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है प्रोमेजरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज चेक की नन ऑफ तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दैट इज़ बिल ऑफ

प्रोमेजरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज चेक की नन होती है सेक्शन फोर सेक्शन याद रखिएगा नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या है एटीन एटी या भी याद रखिएगा और किससे डील करता है तो ये प्रोमेजरी नोट से डील करता है ए ऑप्शन हो जाएगा सही सेक्शन फाइव ऑफ द नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन फोर सेक्शन फाइव पूछा है सेक्शन फाइव जो है अगर हम नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एटी की बात करें तो ये किससे डील करता है प्रोमेजरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज नन ऑफ दी अब तो ये डील करता है आपका किससे बिल ऑफ एक्सचेंज से सेक्शन सी पूछा है सेक्शन सी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किससे डील करता है एट एटी एटी डील्स विथ तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चेक से डील करता है द पार्टीज ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज जो पार्टीज होती हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में ए ड्रॉयर एक्सेप्टर एंड पे बी बैंकर ड्रॉई एंड पे सी है बैंकर एक्सेप्टर

तो ए प्रोमिजरी नोट क्या है वो कैन नॉट बी इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता ठीक नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस इज डैश इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कंपल्सरी ऑप्शनल नॉट ऑप कंपल्सरी एक्सेप्टेंस जो है कंपल्सरी नहीं होता है इन द केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस जो होता है वो कंपल्सरी नहीं होता है ठीक है एक्सेप्टेंस इज डैश इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कंपल्सरी ऑप्शनल नॉट कम्पल्सरी की डी तो एक्सेप्टेंस जो होता है वो कंपल्सरी नहीं सॉरी वो नेसेसरी नहीं होता है नेसेसरी नहीं होता इन द केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज नेक्स्ट है ड्रायर इज अ बोथ डेप्टर टू वन एंड क्रिएटर टू अनोदर इन केस ऑफ प्रोमेजरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज चेक की नीब तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज ठीक है लाइबिलिटी ऑफ़ अकर डैश इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज प्राइमरी अनलिमिटेड अनकंडीशनल की सेकेंडरी तो ऑप्शन नंबर डी दैट इज सेकेंडरी ट्वेंटी फोर क्वेश्चन देखते हैं डैश इज इज ऑन ऑर्डर टू पे द थर्ड पार्टी ऐसा कौन सा है प्रोमेजरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज चेक की नन ऑफ दी अब तो एक ऑर्डर है जिसमें हम थर्ड पार्टी को तो ए प्रोमेजरी नोट ए प्रोमेजरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी मेड पेपल ऑन डिमांड ऑन स्पेसिफिक डेट आफ्टर स्पेसीफाइड पीरियड मंथस या डेट के अलावा अब तो एक प्रोमेजरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी मेड पेबल टू ऑल ऑफ द अब क्या हो जाएगा सारे के सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे ऑन डिमांड भी ऑन स्पेसिफिक डेट पर भी आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड मंथ्स या डेज की बात करें तो सारे के सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे नेक्स्ट है टू कैलकुलेट द मेच्योरटी डेट ऑफ नैगोशियबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉइंग डेट टू बी डैश फॉर काउंटिंग सॉरी हमें क्या करना है नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट का मेच्योरिटी डेट कैलकुलेट करना है ठीक है तो जो ड्रॉइंग जो ड्रॉइंग डेट होगा क्या उसको इंक्लूड किया जाएगा कि एक्सक्लूड किया जाएगा कि कंसिडर किया जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी उसको एक्सक्लूड किया जाएगा क्या किया जाएगा उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा ठीक है इफ द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट ऑन डिमांड देन डैश और ग्रेज इज ग्रांटेड सेवन फाइव थ्री की फोर तो ऑप्शन नंबर सी दैट इज थ्री डेज ऑफ ग्राज ग्रेज जो है ग्रांटेड किया जाएगा वेन दैन द क्रॉस्ड विथ टू पैरल लाइन्स और विथ वर्ड एंड कंपनी इटीसी दिस क्रॉसिंग इज नोन एज चेक का क्वेश्चन है जनरल क्रॉसिंग स्पेसिफिक क्रॉसिंग के रिस्ट्रिक्टी क्रॉसिंग तो उसे हम जनरल क्योंकि वो दो पैरल लाइन्स में क्या है क्रॉस किए गए हैं तो उसे हम बोलेंगे जनरल क्रॉसिंग नेक्स्ट है वैन द चेक इज क्रॉसड विद द टू पैरल लाइन्स और विद अकाउंट पे ऑनली तो दिस क्रॉसिंग इज नोन एज जनरल क्रॉसिंग स्पेशल क्रॉसिंग रिस्ट्रिक्टी क्रॉसिंग की ऑफ दी वक्त उसे हम रिस्ट्रिक्टी क्रॉसिंग बोलते हैं इन द केस ऑफ बिल एक्सचेंज बिल ऑफ एक्सचेंज जो ड्रॉई होता है वो मेकर होता है एक्सेप्टर पे की नो तो इन द केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज हम बात करें तो ड्रॉई जो होता है वो क्या होता है असेप्टर होता है ठीक है वेन द लॉस ऑफ चेक इज इनिशियड ऑफ द बैंक इट इज एडवाइजेबल टू गेट द चेक डिस ऑन कैंसियल्टॉल की काउंटरमेंट तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा काउंटरमेंट वेन बैंक हैज when the bank has reason to believe that the title of the presenter is defective जब बैंक के पास ये रीज़न है बिलीव करने की जो टाइटल है प्रेजेंटर का वो डिफेक्टिव है तो चेक ऐसी केस में क्या डिश होगा कैंसल्ड होगा स्टॉल्ड होगा कि काउंटर मिनट तो ऐसे केस में चेक क्या हो जाएगा डिसऑनर हो जाएगा ए होल्डर इन ड्यू कोर्स विल गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम अर्लियर डिफेक्ट ऑफ नो कंसिडेशन कंडीशनल डिलीवरी अनलॉफुल मीन्स की ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ दब नेक्स्ट है डैश ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ पर्सन लीगली इनिशियल टू अ पॉजेज एंड रिसीव इन हिज ऑन नेम ऑनर मेकर होल्डर के रिसीवर तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर देट इज़ ऑप्शन नंबर सी होल्डर नेक्स्ट आते हैं होल्डर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज अ पर्सन जो होल्ड करता period, maturity, maturity, हाँ है इंस्ट्रूमेंट को फॉर अ लॉन्गर पीरियड बिफोर मेच्योरटी आफ्टर मेच्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ ऑनर तो बी हो जाएगा बिफोर मेच्योरटी काउंटर मेंडिंग ऑफ अ चेक को हम किस और नाम से जानते हैं कैंसिलेशन स्टॉप पेमेंट डिश ऑनर के पेमेंट थ्रू काउंटर तो ऑप्शन नंबर सी स्टॉप पेमेंट नेक्स्ट इज समथिंग लीगली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनोदर फॉर अ कंसिडेशन इज नोन एज पहला ही क्वेश्चन हमने किया है ये इंडोर्समेंट बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिजरी नोट की नेगोशियेबल तो नेगोशियेबल उसे नेगोशिएशन बोलते हैं कि लीगली ट्रांसफ़र होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन यहाँ पर कंसिडेशन ठीक है ये रिटर्न डॉक्यूमेंट बाई विच समीगल राइट क्रिएटेड इन फेवर ऑफ पर्सन ये भी क्वेश्चन किया गया है उसे हम बोलते हैं ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इन नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डील्स विदिल सेक्शन थर्टीन सेक्शन फाइव जो डील करता है आपका किससे बिल ऑफ एक्सचेंज से लास्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज डिफाइंड द बैंकर्स नोट नोट बिल ऑफ ऑफ एक्सचेंज ऑल डिफाइंडल इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो डी हो जाएगा आपका नहीं डिफाइन किया गया है ठीक है तो आपके नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट इंपॉर्टेंट एमसी क्यूज थे ऐसे ही मैंने सारे सब्जेक्ट्स के एमसी क्यू आप पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो पेड कोर्स काफी हेल्पफुल रहेगा आपका मीन्स अगर हम बात करें हंड्रेड प्लस इंस्टूडेंट्स ने आपके बी कॉम फर्स्ट और बी कॉम थर्ड के पेड कोर्स लिए हैं ठीक है तो आप लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकते हो पेड कोर्स को ले सकते हो ठीक है ओके थैंक यू